देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की तारीख नज़दीक आ रही है और किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लैंड सीडिंग और पीएफएमएस बैंक स्टेटस की। पीएफएमएस बैंक स्टेटस रिजेक्टेड दिखा रहा है और लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, और इन्हीं दो समस्याओं की वजह से पिछली जो 12वीं किस्त मिली थी 17 अक्टूबर को, उस समय 3 करोड़ किसानों को पैसा नहीं मिला था अपात्र और लैंड सीडिंग और पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए, आज हम आपको पीएम किसान योजना की 13वीं यानी अगली किस्त प्राप्त करने से पहले सभी किसान सुधार करवा के इस योजना के अगले 2000 रुपये किस तरह से ले सकते हैं, वही प्रोसेस हम आपको बताएंगे। अगर आपका पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड है या फिर आपका लैंड सीडिंग नो है, तो आपको किस तरह से सुधार करवाना है, एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी और आप सुधार करवा के इस योजना का फ़ायदा भी ले सकते हो। अब किसान को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो किसान यहाँ पर अपना स्टेटस ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर इंटरवेल्यू में अपना मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, कैप्चा कोड डाल लीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कर लीजिए। अब डायरेक्ट हम स्टेटस ओपन करने के बाद जो मेन समस्याएं अभी चल रही है किसानों को, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीएफएमएस बैंक और लैंड सीडिंग। अब पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट कर रहा है, जैसा कि इस किसान का अभी पेंडिंग में है, हो सकता है कि बहुत सारे किसानों का रिजेक्टेड हो, अंडर रिविलेशन हो, पेंडिंग हो, या फिर कुछ किसानों का तो एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पर लैंड सीडिंग में जिनका नो है, उन किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, वो किसान इंतज़ार न करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम किसान योजना में लैंड सीडिंग किस तरह से यस करवाना है। इसके लिए किसान को गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करना है पीएम किसान लैंड सीडिंग माही इन्फो। ये मैं क्यों सर्च करवा रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। पहले आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको लैंड सीडिंग कैसे करें, ये ऊपर ऊपर दिख रखा है, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि यहाँ पर हमने लैंड सीडिंग के लिए एक अप्लीकेशन दे रखी है और डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, और आपको सभी डॉक्यूमेंटों की एक कॉपी लेनी है। और पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग यस करवाने के लिए यहां पर जो एक एप्लीकेशन दिया है, जैसा कि सेवा में श्रीमान लेखपाल महोदय तहसीलदार जिला तहसील डालना है, पीएम किसान योजना का लाभ न मिलने के समर्थ महोदय आपको बताना चाहते हैं कि मैं पीएम किसान योजना का लाभार्थी किसानों, सालाना 6000 रुपये मुझे जो मिलते हैं, 2000 रुपये वाली किस्त वो इस बार नहीं मिल पा रही है क्योंकि मेरा लैंड सीडिंग नो है, यानी लैंड सीडिंग नहीं हुआ। आप मेरी ज़मीन की जो खतौनी है उसे वेरीफाई करके मेरा लैंड सीडिंग यस कीजिए, और यहाँ पर दिनांक डालनी है जिस दिन आप अपने लेखपाल से मिल रहे हैं, प्रार्थी का नेम डालना, आधार नंबर डालना, बैंक खाता संख्या डालनी है। उसके बाद ये फॉर्म ले जाकर आपको अपनी तहसील में जो आपके लेखपाल बैठते हैं वहाँ पर आपको देना है, और पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग जो है आपका नो है वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ही अपडेट हो जाएगा। अभी आप करते हैं तभी, अगर आप फिर से लेट करेंगे तो अगली किस्त जो बहुत ही जल्द मिलने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लैंड सीडिंग फॉर्म है, एप्लीकेशन है, और ये जो दस्तावेज़ बताए हैं इनकी एक एक कॉपी ले लीजिए सभी दस्तावेज़ों की, और आप अपने लेखपाल के पास डायरेक्ट चले जाइए। 5 से 10 दिन हो सकते हैं या फिर 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, आप लैंड सीडिंग यस करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना में अगर आपका पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट है और आगे रीज़न कुछ भी नहीं दिखा रहा है, या फिर कोई रीज़न दिखा रहा है यूडीए नेवर इनेबल, यूडीए डिसेबल, या फिर कोई बैंक के संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, डुप्लीकेट फॉर्म बता सकता है, यहाँ पर बहुत सारी हज़ारों प्रॉब्लम होती है। तो पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट किस तरह से करवा सकते हैं, चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपका पीएफएमएस बैंक पेंडिंग, रिजेक्टेड, अंडर रेवलेशन, जो भी समस्या दिखा रहा है, आपको सबसे पहले पीएफएमएस का स्टेटस चेक करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे स्टेटस तो यही है, लेकिन ये पीएफएमएस का पूरा स्टेटस नहीं है, पूरा स्टेटस आपको चेक करना होगा पीएम किसान योजना के पीएफएमएस बैंक का। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है।
ओपन कर लीजिए 2023, तो इसका जो नया लिंक है ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी एक ऐड पर क्लिक करोगे, एक ही बार क्लिक करना है, दोबारा नहीं करना है, तो सीधा लिंक पर चले जाओगे, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, जैसा कि आपको उस लिंक में यहाँ पर जो स्टार दिखा रहा है उस स्टार को आपको हटाना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तभी आपका पीएम किसान योजना में पीएफएमएस बैंक का स्टेटस दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह का लिंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो स्टार दिखाया गया, इस स्टार को आपको हटाना है, लिंक को एडिट करना है। अब यहाँ पर क्लिक कर का जो ऑप्शन दिख रखा है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा, लेकिन वो खाली स्टेटस ओपन होगा, आपको यहाँ पर स्टार वाली जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेटस में देखिए, 13/9/2022 को दस्तावेज आपके तैयार हो रहे थे, 13/19/29/9 को भेजे गए थे। अब पीएफएमएस बैंक में समस्या आ गई, क्योंकि आपके बैंक में आधार लिंक नहीं था, यूडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी डीबीटी डिसेबल था, तो आपका रिजेक्टेड बता दिया। अब अगर आपकी कोई और समस्या होगी तो वो समस्या यहाँ पर दिखाई जाएगी। अब रिजेक्ट की तारीख दिखाई जाएगी, दस्तावेज की जाँच की तारीख दिखाई जाएगी। अब अगर आपकी जो रिजेक्टेड की तारीख जैसे कि 30/9/2022 है, अब उसके बाद आप अपने बैंक में जाकर आधार लिंक करवा लेते हैं, सारा काम ओके करवा लेते हैं, तो आपको अब दोबारा जांच करना होगा पीएफएमएस का स्टेटस कि अब दोबारा कब दस्तावेज़ तैयार होते हैं, कब भेज जाते हैं, और अगर आपने लिंक करवा ली है तो कब वो एक्सेप्ट होगा, वही आपको चेक करना है। तो आपको अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है, यूडीए डिसेबल है, यूडीए डिसेबल यूडीए नेवर इनेबल है, या फिर आपका कोई और समस्या बैंक के संबंधी, तो आपको सबसे पहले आपको बैंक में आधार लिंक करवाना होगा। लेकिन बैंक आते आधार लिंक नहीं है, आप अपने बैंक में जाकर आधार लिंक करना चाहते हैं, तो इसमें आपने ऑनलाइन तरीका और ऑफलाइन तरीका दो तरीके मिलते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताएंगे। तो यहाँ पर आपको गूगल में जाकर सर्च करना है ऑनलाइन आधार एनपीएस लिंक इन बैंक अकाउंट माही इनफो, तो यहाँ पर आप खुद घर बैठे लिंक कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए हाउ टू लिंक आधार एनपीएस इन बैंक अकाउंट है, यहाँ पर फॉर्म भी मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन का भी ऑप्शन है माही इनफो की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर हमने जितने भी बैंक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराते हैं बैंक खाते में आधार लिंक की, तो उनके सभी की हमने लिस्ट दे रखी है। बैंक में डायरेक्ट लिंक करने का ओटीपी के माध्यम से प्रोसेस और उसका लिंक भी हमने दिया है। तो यहां पर देख लीजिए सभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और सभी बैंकों की यहां पर आपको लिस्ट मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट घर बैठे ओटीपी के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। अब अगर आप ओटीपी के माध्यम से लिंक नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने जो एक फॉर्म दे रखा है आधार एनपीएस से लिंक करने का, इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने बैंक में जाकर है वो लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको ब्रांच का नेम डालना है, बैंक का नेम डालना है, डेट डालनी है जिस दिन आप लिंक करवाने जा रहे हैं, खाता संख्या डालनी है, खाता होल्डर का नेम डालना है, उसके साथ आधार की एक कॉपी अटैच करनी है, और ये फॉर्म दोगे तभी आपका आधार एनपीएस से लिंक होगा, वरना बैंक कर्मचारी समझेगा ही नहीं कि आधार एनपीएस किस तरह से लिंक करवा रहा है। ये फॉर्म देने पर यह बैंक कर्मचारी समझ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप अपने बैंक खाते में आधार लिंक करवा के, अगर आपको लिंक करवाने की ज़रूरत है तो लिंक करवा के पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट करवा सकते हो, या फिर कोई अन्य कोई समस्या है तो आप अपने दूसरे बैंक खाते में आधार लिंक करवा लीजिए, जिसकी वजह से आपको पैसा मिलना जो बंद हो चुका है वो शुरू हो जाए। इसी तरह आप पीएम किसान योजना का पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर अपना स्टेटस भेज दीजिए, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।